क्या आप खाने की दुनिया को लेकर बहुत उत्साही है और आप भविष्य में अपना रेस्टोरेंट या फिर कैफे खोलना चाहते हैं? ये सफर काफी रोमांचक हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसे शुरू करने के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकता है और इसके चलते आपको अपना सपना पूरा करने में कठिनाइयां भी आ सकती है। लेकिन आप चिंता ना करें, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रेस्टोरेंट की इन्वेस्टमेंट का आकलन कैसे करें ये जान पाएंगे, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं जिससे आपका लोन जल्दी से अप्रूव हो जाए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट लोन स्कीम्स जो आपको रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए मदद कर सकती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो की मदद से आप इंडिया में अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर पाएंगे। अपने रेस्टोरेंट लोन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं? जैसे ही आप अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के सफर की शुरुआत करने का सोचते हैं, तो एक बिजनेस लोन लेना जरूरी हो सकता है जो कि आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। लेकिन देनदार को एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होगी जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को डिटेल में बताएगा। हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक बैंक रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट fortressconsulting.com पर जाए और साइन अप कर ले। लॉगिन करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्डर पर क्लिक करें और पहले पेज पर अपने बिजनेस की जानकारियां दें। ड्रॉपडाउन मेनू से बिजनेस लोन सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। दूसरे पेज पर ओनर की डिटेल्स भरें, जैसे ओनर का नाम, शिक्षा, काम का अनुभव और कितने कर्मचारी आप रखने वाले हो उसकी संख्या। अब अगले पेज पर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट की जानकारी दें। यहाँ कैपेक्स इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट भरे। चलिए अब देखते हैं कि आपके रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट का अनुमान कैसे लगाएंगे। पहले तो हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अर्थ है वो पैसे जिसे आप लॉन्ग टर्म एसेट्स और अपने रेस्टोरेंट या कैफे के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये सिर्फ एक बार के खर्चे हैं जो आपको लंबे समय तक काम आएंगे और आपके बिजनेस की नींव बनेंगे। रेस्टोरेंट का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसमें बिल्डिंग को खरीदने या बनाने और इंटीरियर डेकोरेशन के लिए खर्च, खाना बनाने का सामान और किचन उपकरणों की खरीदी, कंप्यूटर और सर्वर जैसे आवश्यक आईटी उपकरणों की खरीदी, साथ ही फर्नीचर, सुविधाएं और स्टोरेज रैक्स के लिए खर्च भी शामिल है। इसके अलावा बिजली और बैकअप सिस्टम, इंस्टॉलेशन चार्जेस और बिजनेस के लिए व्हीकल का खर्चा भी शामिल है अगर आप डिलीवरी भी करने वाले हो तो। इसके साथ ही वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप बनाने का शुरुआती खर्चा भी शामिल होता है। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल का मतलब है वो फंड्स जो आपके रेस्टोरेंट के दिन प्रतिदिन के खर्चों का ध्यान रखता है ताकि आपका बिजनेस स्मूथली चले। रेस्टोरेंट चलाने के लिए जरूरी आर्थिक पहलू कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसमें सामान, सामग्री और बेवरेजेस के मासिक खर्चे शामिल है। इसके अलावा रेस्टोरेंट स्पेस के लीज या भाड़े के लिए और अपने कर्मचारियों के पेरोल का बजट बनाना बहुत जरूरी है। बिजली, फ्यूल, पानी और कस्टमर्स लाने के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के खर्चे भी वर्किंग कैपिटल में शामिल होते हैं। आप अपना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने मासिक खर्चों की 2 गुना रकम ले सकते हैं। यानी अगर आपका मासिक खर्चा 1 लाख रुपए है तो उसका 2 गुना यानी कि 2 लाख रुपए को आप अपना वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। चौथे पेज पर अपने मासिक खर्चों का ब्रेकअप दे, जैसे इन्वेंट्री, परचेसेस, भाड़ा, बिजली, पगार इत्यादि। अब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए तैयार है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और आपको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, CMA डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, MPBF वर्किंग, रेशियो वर्किंग, इन सारी वर्किंग्स के साथ मिल जाएगा। अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अच्छी तरह से जांच कर ले और आप इसे अपने अनुमान के हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इंडिया में किसी भी बैंक में लोन एप्लीकेशन के लिए दे सकते हो। हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए एक सम्मोहक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए और इजीली किसी भी गवर्नमेंट लोन स्कीम में अप्लाई करें। भारत में रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना लाभदायक हो सकता है, तो अभी ही अपने रेस्टोरेंट या कैफे को शुरू करने का पहला कदम लीजिए। रेस्टोरेंट्स और कैफे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई कुछ लोन स्कीम्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप 10 लाख तक का कोलैटरल फ्री लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 50,000 तक का लोन यानी कि शिशु लोन, 50,000 से 5 लाख तक का लोन यानी कि किशोर लोन, और 5 लाख से 10 लाख तक का लोन यानी कि तरुण लोन। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये स्कीम औरतों और SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के तहत आप अपने रेस्टोरेंट के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस छोटे और मीडियम स्केल बिजनेस को 2 करोड़ तक की कोलैटरल फ्री क्रेडिट गारंटी देता है, जिसके चलते आप किसी कोलैटरल के बिना अपने फंड्स को सिक्योर कर सकते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सब्सिडी स्कीम, NSIC छोटे बिजनेस को कई स्कीम्स के द्वारा सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से आपको कंसेशनल रेट्स पे क्रेडिट मिल सकता है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP लोन स्कीम, PMEGP स्टार्टअप्स को सब्सिडी के सहारे फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। आप अपने रेस्टोरेंट के लिए 20 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपके रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस के लिए कौन से लीगल लाइसेंसेस चाहिए होंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ अपने रेस्टोरेंट या कैफे के लिए कुछ जरूरी लाइसेंसेस और परमिट्स प्राप्त करना आवश्यक है। FSSAI लाइसेंस, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस प्राप्त करें, जो कि इंडिया के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन सुनिश्चित करता है। GST रजिस्ट्रेशन, अपने बिजनेस को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST रेजिम के अंतर्गत रजिस्टर करके टैक्स रेगुलेशन सुनिश्चित करें। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस प्राप्त करें, जिसकी मदद से आप अपना रेस्टोरेंट लीगली चला सकते हैं। हेल्थ या ट्रेड लाइसेंस, अपने लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें। फायर डिपार्टमेंट NOC, आपके रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी कंप्लायंस की गारंटी के लिए फायर डिपार्टमेंट से NOC प्राप्त करें। लिकर लाइसेंस, अगर आप अपने रेस्टोरेंट में शराब बेचने वाले हो तो याद से लिकर लाइसेंस प्राप्त कर ले। ये सभी लाइसेंसेस प्राप्त करने से आप अपना रेस्टोरेंट बिना किसी लीगल तकलीफों के चला पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।